तो यार आ चुके एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तो आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस माइक्रो उजी के बारे में। मैंने माइक्रो उजी को पहले चलाया है इसलिए मेरे को पता है कि माइक्रो उजी क्या चीज़ है गाइस। तो आज के इस वाले गेम प्ले वीडियो में हम लोग माइक्रो उजी का टेस्ट लेने वाले हैं। एक्सटेंडेड मैक और सप्रेसर के साथ माइक्रो उजी को चलाएंगे, उसके बाद इन दोनों को छोड़ के माइक्रो उजी को चलाएंगे। तो पहले मैं इन दोनों को छोड़ के चलाता हूँ। यहाँ पर इस घर में मेरे को माइक्रो उजी मिल चुकी है और अभी देखते हैं, बंदे आए हैं पोचिंग में बहुत। मैं पोचिंग में लैंड किया है और मैं सोलो खेल रहा हूँ क्योंकि नॉक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इससे एकदम माइक्रो उजी का परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दे पाऊँगा ताकि आप लोगों के मन में कोई भी मतलब परेशानी नहीं हो। और वीडियो थोड़ा सा फास्ट मोशन में है तो इसलिए वीडियो को इंजॉय कीजिए। इस घर में एक बंदा है, तो गाइस इस बंदे को तो आसानी से मैंने माइक्रो उजी से मार दिया। लेकिन एक्सटेंडेड मैक के मतलब एक्सटेंडेड मैक छोड़ के सिर्फ 25 बुलेट से माइक्रो उजी में खेलना बहुत ही मुश्किल है गाइस, क्योंकि 25 बुलेट कब खत्म हो जाते हैं एक स्प्रे में पता ही नहीं चलता। और अगर बंदे के पास AKM है, मतलब अपोनेंट के पास AKM है या फिर M4 है, तब तो मतलब आपकी खैर नहीं। तो फिलहाल देखते हैं उजी से हम लोग कितना देर तक कोचिंग की में सर्वाइव कर पाते हैं। तो फिलहाल तो एक बंदे को मैंने मार दिया है, अभी इस घर में शायद एक और बंदा है। मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, बहुत सारे बंदे आए हैं यार कोचिंग की में। तो पीछे की तरफ शायद बंदा है, जी हाँ गाइस पीछे की तरफ, जैसे कि मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा कि पीछे की तरफ बंदा है और उसका फुटस्टेप भी मेरे को आ रहा है। तो मैं फिलहाल M4s लेके जाता हूँ, वो शायद ऊपर होगा। इसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है गाइस उजी से, क्योंकि मतलब उजी में एक तो एक्सटेंडेड मैक के अलावा सिर्फ 25 बुलेट से नहीं होता है, इसलिए मेरे को इस बंदे को मारने के लिए M4s का भी मदद लेना पड़ा। तो M4s से मैंने इस बंदे को M4 और उजी दोनों का कॉम्बिनेशन से अच्छे तरह से बंदे को मार दिया। और फिलहाल ये तो एक बॉट है, इसको भी मैंने मार दिया। अभी तक 3 किल्स हो चुके हैं, अभी बहुत सारे बंदे आए हैं गाइस कोचिंग के में। मेरे को जहाँ फुटस्टेप मिल रहा है मैं वही पे घुस के मार रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर एक ड्रिंक पी लेता हूँ और पीछे की तरफ भी मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, तो जाके देखते हैं पीछे की तरफ बंदे मार पाते हैं या फिर वो मेरे को मार देता है गाइस। तो या फिर थोड़ी देर ट्रिप भी लेके देखते हैं कि आगे कोई बंदा जी नहीं है, आगे कोई नहीं है गाइस। तो इस वाले ट्रिपल स्टोरी में गाइस बंदे है, मतलब बंदा है एक और जिसने अभी अभी एक बंदे को मारा है। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, इस पर इसके ऊपर एकदम रश कर देता हूँ। और ये देखिए बंदा इस जगह में गाइज, मैंने गलती क्या की, मतलब मेरा जो एम है वो एडजस्ट ही नहीं हो पाया। मैंने एम बटन में प्रेस किया और उजी का अब लोगों को पता ही है एक्सटेंडेड मैक के अलावा तो उजी में सिर्फ 25 बुलेट्स आते हैं, उजी से मतलब बुलेट्स ख़त्म हो गई, बंदा मेरे को मार दिया। तो फिलहाल एक्सटेंडेड मैक के साथ और सप्रेसर के साथ हम लोग एक और मैच खेलेंगे। तो इस घर में घुसने के साथ साथ ही मेरे को मतलब उजी मिल चुकी है। अभी फिलहाल तो एक्सटेंडर मैक हम लोग ढूंढेंगे, अगर एक्सटेंडर मिलता है तभी हम लोग बंदे को मतलब मैं बंदे मारने जाऊंगा, और अगर नहीं मिलता है तो इसी से मारेंगे। फिलहाल देखते हैं एक्सटेंडर मैक इस घर में है या फिर नहीं। यहाँ पर थोड़े से बुलेट्स उजी के हैं तो मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पर एक फर्स्ट एड भी है जिसको मैंने ले लिया है गाइस। Level 2 की फेस भी मिल गया है मेरे को, तो ऊपर जाके देखते हैं, अगर तो होगा तो बढ़िया है एक्सटेंडेड मैक। जी हाँ गाइस मेरे को मिल चुकी है एक्सटेंडेड मैक, ये देखिए इस घर में पड़ा हुआ था, एकदम बढ़िया है। तो फिलहाल इस घर के ऊपर मतलब शायद एक बंदा है, मतलब बंदा कहाँ पर है ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन इस घर में है शायद, मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं इसी घर में है बंदा। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए ये बंदा किस घर में है गाइस, क्योंकि आप लोग मैप में देख सकते हैं फुटस्टेप्स आ रहे हैं, इस घर में है, दूसरे घर में है, दूसरे घर के कहाँ पर है ये आप लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब वीडियो इस जगह में पॉज कीजिए, उसके बाद बताइए, वीडियो देख के मत कॉमेंट कीजिए। तो इस घर के ऊपर बंदा है लेकिन कहाँ पर है मेरे को, वो TP भी ले सकता है इसलिए थोड़ा सा संभाल के मेरे को जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इस रूम में नहीं है बंदा, लेकिन इसी घर से तो फुटस्टेप्स आ रहा था, तो कहाँ पर है बंदा देखते हैं। सामने की तरफ भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, लेकिन फुटस्टेप्स आप सब मैप में देख सकते हैं पीछे की तरफ से आ रहा है, मतलब वो मेरे को पता चल चुका है। देखा गया इस बंदा कितना चालाक था, मतलब
बैल्कनी में जाके छुप गया है, और उजी में तो एक्सटेंडेड मैग है ही, तो मेरे को कोई परेशानी की बात नहीं है। 35 बुलेट से आसानी से बंदे को मैंने मार दिया है गाइस। तो उजी में अगर सप्रेसर और एक्सटेंडेड मैग लग जाता है तो उजी एकदम बीस बन जाता है। मतलब इस वीडियो में अभी आप लोग देखेंगे कि मतलब मैं मरने ही वाला था, लेकिन उजी की वजह से मैं बच चुका हूँ। फिलहाल आप लोग यहाँ पर देखिए, मेरे घर के नीचे ही एक बंदा है और जो कि M16 चला रहा है, तो यहाँ पर मैं उजी निकाल के उसके ऊपर जंप मारूंगा, लेकिन वो पीछे की तरफ हो जाएगा। देखिएगा गाइस, मैं मरने ही वाला था लेकिन उजी की वजह से मैं मर चुका हूँ। आप लोग मेरा हेल्थ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फर्स्ट एड कर लेता हूँ। और मैं एक बात बता दूँ कि उजी का जो फायरिंग स्पीड्स है वो AKM से भी ज़्यादा है गाइस। तो आप लोग अगर एक्सटेंडर मैग SMG का मिल जाता है, और SMG में अगर आप लोगों को उजी मिल जाती है माइक्रो उजी, तो आप लोग हमेशा उजी का इस्तेमाल कीजिए। मैं तो इस वीडियो के बाद उजी का इस्तेमाल हमेशा करूँगा गाइस, क्योंकि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये उजी। और आप लोग देख ही सकते हैं मेरा हेल्थ मतलब ख़त्म ही हो चुका। उस बंदे ने मेरे को पहले स्पॉट किया था, लेकिन फिर भी मैंने उजी का स्प्रे देके उसको मार दिया। तो फिलहाल सामने की तरफ एक और बंदे मेरे को स्पॉट हो चुका है, तो देखते हैं आगे अगर बंदा होगा तो मैं मार दूंगा। ये शायद बंदा नहीं है गाइस, ये शायद बॉट है। जी हाँ गाइस, ये बॉट है। तो इस बॉट को भी आसानी से मार दिया, इससे थोड़ा एमोनेशंस ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। फिलहाल तो अभी पोचिंग एकदम खाली हो चुका है, बहुत सारे बंदे आए थे, लगभग 7-8 बंदे आए थे, तो सभी को शायद आपस में मेरे को यहाँ पर खाली 3 के लिए मिल पाए हैं गाइस। तो यहाँ पर देखते हैं अगर दूसरे तरफ भी कोई बंदा है तो मारेंगे। फिलहाल तो पोचिंग से साउंड नहीं आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी के पास जाता हूँ। आप लोग यहाँ पर मेरा पिंग देख सकते हैं गाइस, मतलब एकदम 400-350 के करीब पिंग आ रहा है। मेरा कैरेक्टर ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से मेरे को फुटस्टेप्स आ रहे हैं, लगता है कोई बंदा अभी भी बचा हुआ है, मतलब कैम्प कर रहा था, बहुत ही गंदा वाला कैम्प कर रहा था, जो कि मतलब वो समझ रहा है कि मैं अभी उस वाले कमरे में मतलब उस वाले बिल्डिंग के पास हूँ, लेकिन मैंने कब का उस जगह से पोजीशन चेंज कर लिया। तो इसीलिए गाइस पोजीशन हमेशा चेंज करते रहिए। अभी देखेंगे कि वो बंदा सोच रहा होगा कि मैं आगे की तरफ होऊंगा, लेकिन वो बंदा आगे की तरफ नहीं था, वो बंदा था राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ। तो अभी आप लोग देखेंगे कि वो उस बंदे को मैं कैसे आसानी से मार पाऊंगा गाइस। वो देखिए गाइस, बंदा अभी भी सोच रहा है कि मैं उसके बिल्डिंग के ऊपर में हूँ, लेकिन मैं कब का उससे पोजीशन चेंज कर लिया। तो फिलहाल तो उजी निकलते हैं, और एक आसान सा किल मैंने इसको कर दिया। तो इसलिए गाइस पोजीशन हमेशा चेंज करती रही है, स्पेशली सोलो में गाइस, या फिर कुछ भी में, सोलो डुओ किसी भी जगह में पोजीशन हमेशा चेंज करती रही है, ताकि आपके एनिमी को फुटस्टेप से आप एकदम पागल बना दीजिए, और आप लोग इससे बहुत ही आसानी से जीत पाएंगे गाइस। तो फिलहाल 4 बंदे मारने के बाद पोचिंग से मैं निकल चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे को एक बंदे ने मेरे ऊपर फायर किया इस गाड़ी के ऊपर। तो मैं पहले तो घुमा के देख रहा हूँ कि बंदा कहाँ पर है, लेकिन बंदा इसने में मतलब मेरे को स्पॉट नहीं हुआ। तो फिलहाल उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सामने की तरफ जाता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ जो घर थे उसके ऊपर बंदा हो भी सकता है। तो फिलहाल इस घर में मैं आ चुका हूँ, और पीछे की तरफ से गाड़ी भी जा रही है। तो फिलहाल तो मैं घर के अंदर घुसता हूँ, उसके बाद देखते हैं बंदे को अगर मार पाते हैं है या फिर नहीं। चिकन डिनर लेने की बहुत सारी कोशिश मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ गाइस। तो फिलहाल मेरे सामने वाले घर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब एक बंदा आ चुका है। और इस बंदे को मैं कैसे मारूंगा, अगर मैं गया तो ये टीपी भी ले रहा है, और वो देखिए गाइस उस स्नाइपिंग टावर के सामने भी एक बंदा आ चुका है। तो मैं इसको तो नहीं मारूंगा M4 से, क्योंकि मतलब ये माइक्रो उजी का चैलेंज है, और माइक्रो उजी के चैलेंज में अगर मैं M4 से मारता हूँ तो कमेंट सेक्शन में इतना गाली पड़ेगा, मतलब कि क्या बताऊँ गाइस। तो फिलहाल उजी इतना दूर तो जाएगा नहीं, तो अभी थोड़ा बॉम्ब फेंक के देखते हैं, अगर बंदा मरेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं गाइस। बंदा शायद मेरे पे, वो स्नाइपिंग टावर वाला जो बंदा है उसके पास कार-9 टायर है, उसने मेरे को एक बॉडी शॉट भी मारा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। तो फिलहाल मैं एकदम फंस चुका हूँ, स्नाइपिंग टावर में भी बंदा है, और इस घर के सामने जो बंदा है वो भी मेरे पे रश कर रहा है गाइस। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर बताइए मैं इन दोनों के सामने बच पाऊँगा या फिर नहीं। मेरे को तो नहीं लगता कि बच पाऊँगा गाइस, क्योंकि मतलब दोनों तरफ से मेरे को मार पड़ रही है। मैं नीचे के वाले बंदे पे जाऊँगा तो वो स्नाइपिंग टावर वाला बंदा मारेगा, स्नाइपिंग टावर में तो मैं मार ही नहीं सकता क्योंकि माइक्रो उजी उतना दूर जाता ही नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं, मैं सामने की तरफ बंदे को स्पॉट कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसलिए इस जगह में प्रोन हो चुका हूँ क्योंकि वो स्नाइपिंग टावर वाले बंदे के पास कार-98 है, और एक बॉडी शॉट तो मैं खा ही चुका हूँ, और मेरे पास लेवल 2 का हेलमेट है। अगर मैं हेडशॉट खा गया तो मैं मर जाऊँगा गाइस, तो इसलिए रिस्क नहीं ले सकते। वैसे भी कंटेंट का सवाल है गाइस, तो
इस जगह में देखते हैं उस बंदे ने मेरे पर रश कर दिया है गाइज, और एक बॉम्ब भी फेंका था जो मैंने आपको नहीं भी दिखाया है क्योंकि मतलब वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। और फिलहाल इस जगह से नीचे उतर के देखते हैं मैं। उस बंदे ने वो स्नाइपिंग टावर वाला बंदा मेरे को M4 से मार दिया है गाइज। तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता था मैं, यहाँ पर दोनों तरफ से मैं पीस चुका था। तो फिलहाल अगर तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।